इस कार्यक्रम में आज उपस्थित सभी लोगों का मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार व्यक्त हूँ कि आप लोगों ने इसमें भाग लिया। मैं इसके साथ में अब आज इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्री जी को भी, जैसा कि नीता जी ने बताया कि उपस्थित होना था, लेकिन वो अभी हमारे बीच में नहीं है, किसी कार्यवश वो थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। हमारी राज्य मंत्री जी साध्वी निरंजन ज्योति जी, आपको इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आपका हमेशा जैसा हमारे साथ में जुड़ाव रहा है महिलाओं के विषय में, इसके आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे सचिव महोदय इसमें आज उपस्थित हैं, आदरणीय श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा जी, और मैं ये यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, हम लोग उसको एक पैक्षिक कार्यक्रम की तरह ले रहे थे, लेकिन सेक्रेटरी साहब का जो इसमें जुड़ाव है इस कार्यक्रम में, जो मार्गदर्शन, और मैं कहूंगी मार्गदर्शन से ज्यादा जो उनकी अपेक्षा इस कार्यक्रम से है, और जो कहना चाहिए एक विजन है, परिदृश्य है इस कार्यक्रम के विषय में, उससे हम लोगों को बहुत सारे नए कार्य करने का प्रोत्साहन मिला, निर्देश और मार्ग निर्देशन हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो मैं सेक्रेटरी सर के, जो हमेशा हम लोगों को बहुत इनफैक्ट सर की हमेशा एनआरएलएम के प्रति जो एक डिवोशन है, वो हम लोगों को बहुत काम करने के लिए भी मजबूर करता है, मजबूर नहीं करता, हम लोग को प्रेरित करता है। तो मैं सर का भी इस कार्यक्रम में वेलकम करती हूँ। इसके साथ साथ आज इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी साथी स्टेक होल्डर्स, पार्टनर्स, आईवेज उपस्थित हैं, और भी बहुत सारे लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं आप सभी लोगों को इस आत्मनिर्भर भारत अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम की श्रृंखला में बहुत बहुत बधाई देती हूँ जुड़ने के लिए। जैसा कि आप सभी को विदित है, DAY NRLM कार्यक्रम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो कि पूर्णतः महिलाओं के लिए समर्पित है, और महिलाओं को प्रेरित करते हुए एक कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे यहाँ बनी, इस ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा बनाई गई। आज ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाएं नित नए आयाम प्राप्त कर रही हैं। मैं बहुत कुछ इस कार्यक्रम के बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर एक दूसरे के साथ में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ ये बात यहाँ पर रखना चाहूंगी कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि महिलाओं के लिए है, जो कि ग्रामीण स्तर पर हर बहन को अपने साथ में जोड़ता हुआ एक आज बहुत महाअभियान के रूप में जाने जाने वाला महिलाओं का एक कार्यक्रम बन चुका है। NRLM के तहत में ना केवल हम महिलाओं को आज संगठित कर रहे हैं, करीब करीब 7.5 करोड़ महिलाएं आज जुड़ चुकी हैं हमारे साथ में, करीब 60 लाख से भी ऊपर स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं। ये पूरी किस प्रकार से इस हम लोग योजना को या इस महिला शक्ति का किस प्रकार से उपयोग करें, उसके लिए एक फेडरेटेड स्ट्रक्चर जो हमारा बना है, जिसमें कि विलेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं, और अब तो ये जो महिलाएं हैं वो कई प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज से भी जुड़ रही हैं, कई प्रकार के प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस, प्रोड्यूसर ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जो आज इन महिलाओं के दम पर, उनके विश्वास में और उनकी मेहनत के कारण चल रहे हैं, अब हम उस डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं। तो बहुत सारी नई नई इबादतें लिखी जा रही हैं, बहुत सारी नई नई रचनाएं लिखी जा रही हैं, और मैं इस सब में आप जो हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की मेंबर्स हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आज ये हम लोग कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसको आगे चल के कई नई ऊंचाइयों का भी नई ऊंचाइयां भी प्राप्त करेगा। मैं आज जो हम लोग का विषय है सोशल एक्शन कमिटीज के बारे में, तो ना ये जो स्वयं सहायता समूह संगठित हुए शुरुआत में, तो पहले तो सिर्फ ये था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, फिर उनको संगठित किया गया कि कम से कम आप घर के बाहर निकलो, आपका जो आपसी छोटा मोटा संव्यवहार है, पैसे की जरूरत के लिए, हर 5 रुपए की जरूरत के लिए किसी से उधार लेना पड़ता था और उस पर बहुत अधिक ब्याज दर देना पड़ता था, उसके लिए थ्रिफ्ट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कार्यक्रम शुरू हुआ, हम लोगों ने रिवॉल्विंग फंड देना चालू किया,
सीआईएफ देना चालू किया और आज मुझे बताते हुए हर्ष होता है, सवेरे हम लोग एक किसी प्रेजेंटेशन में थे तो आज हमारी बहनों ने ही करीब करीब 30,000 करोड़ की उनकी स्वयं की बचत है जो कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में है, उनकी अपनी बचत है। उसके अलावा हम लोगों इन महिलाओं को आज बैंक बहुत इज्जत के साथ देखते हैं क्योंकि एनपीए बहुत कम है। जहां पर सारे हमारे छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे उद्योगपति, बड़े उद्योगपति और अन्य लोग आज जो कोरोना के टाइम्स है, कोविड टाइम्स है, उसकी वजह से डिफॉल्टर्स हो रहे हैं, हमारी बहनों ने अभी भी अपना सम्मान बनाते हुए, अपने सम्मान को रखते हुए एनपीए केवल 2.5% है, इवन आज भी इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी। और यही रीजन है कि बैंकर्स को बहुत विश्वास है हमारी इस पूरी महिलाओं की एक जो संगठन है उसके ऊपर। जो सोशल एक्शन कमिटीज बनी, उन सोशल एक्शन कमिटीज के माध्यम से जो एंटाइटलमेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि पता नहीं होती कि हमारे बच्चे को आंगनबाड़ी में जाना है, वहां पर उसको ना केवल जो रोज का दलिया मिलता है परंतु अगर कमजोर बच्चा है तो टेक होम राशन मिलता है, हमारा बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो उसको यूनिफॉर्म मिलेगी, लड़की अगर मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में जाती है तो उसको गणवेश मिलेगा, साइकिल मिलेगी, वजीफा मिलेगा, पेंशन जो बूढ़े वृद्ध लोग हैं उन लोगों को पेंशन मिलेगी। तो जितने भी सोशल एंटाइटलमेंट्स हैं, इंश्योरेंस है, बैंकिंग इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है, ये सारी चीजों के बारे में एक विस्तार से जानकारी इन स्वयं सहायता संगठनों के माध्यम से मिलती है। मैंने ये भी देखा कि अब हमारे जो ये स्वयं सहायता संगठन है जो या सोशल एक्शन कमिटीज है हमारी, वो महिलाएं खुद हमारी स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं स्वयं उसको चला रही हैं, स्वयं संचालित कर रही हैं। आज आगे बढ़कर हमारी महिलाएं कोविड के टाइम्स में उनको किसी ने मार्गदर्शन नहीं दिया, किसी ने नहीं बताया, परंतु ये हमारी बहनें थी जिन्होंने कि पिछली साल जब कोविड हमारे देश में फर्स्ट वेव के रूप में आया था तो इन्होंने राशन पहुंचाने से लेकर गरम खाना बनाने से लेकर पीपीई किट, मास्क बनाना, इन सारी गतिविधियों में बड़े पैमाने पर भाग लिया, बहुत बड़े पैमाने पर भाग लिया। तो वो एक तरीके से अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी बहुत अच्छे से वहन कर रही हैं। बहुत आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी स्वयं सहायता की जो महिलाएं हैं आज कितनी जगहों में मिड डे मील, स्कूल का जो स्कूल में मिड डे मील का प्रोग्राम होता है वो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से चल रहा है, कितनी जगह में हमारा जो टेक होम राशन है वो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रही हैं, आंगनवाड़ी में जो खाना दिया जाता है वो उनके माध्यम से दिया जा रहा है, कई बिहार में, झारखंड में दीदी की कैंटीन हो गई है, अस्पतालों में भी वो अपना कैंटीन चला रही है, कई और सरकारी कार्यालयों में भी अपनी कैंटीन चला रही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि हमारी महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं। जब स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तो ये था कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो राशि बचत होती है आपस में वितरण करें, आपस में एक समव्यवहार रखते हुए राशि को लें और उसको वापस करें। मुझे यहाँ पर बताते हुए हर्ष होता है कि करीब करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से हमारी महिलाओं ने आज लोन दिया है और उसमें से हमारी महिलाएं जीविकोपार्जन के लिए इस राशि का उपयोग कृषि में, डेयरी एक्टिविटीज में, पोल्ट्री में, अधिकांश राशि उसमें इस्तेमाल कर रही है, करीब 50 से 60% राशि इसमें इस्तेमाल हो रही है। फिर जो राशि बचती है वो अपना घर बनाने के लिए, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उसमें यूज कर रही है। तो ये ऐसी सारी चीजें हैं जिसमें कि हमारी महिलाएं आज जुड़ गई हैं। इसके साथ साथ में बहनें आपस में मिलजुल कर अपने जो सोशल प्रोटेक्शन है, अपने जो कार्यक्रम है उसमें एक दूसरे को सहायता दे रही हैं। कई जगहों में सोशल एक्शन कमेटी है, जो परिवार में वाद विवाद हो जाते हैं वो इस सोशल एक्शन कमेटी के पास जा रहे हैं और वहां पे उसका ठीक ढंग से निराकरण हो रहा है। मुझे याद आता है कि एक झारखंड का समूह था और वो बिहार का एक समूह था जिसमें कि दीदी के एक पति, जो एक दीदी थी उनके पति काफी बीमार होकर उनको अस्पताल से भेजा गया वापस कि अब इनका जितने दिन घर पे इलाज हो सकता है अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं है। तो जो गांव की अन्य स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी उन्होंने उनका इंश्योरेंस करवाया और जब 2-4 महीने बाद में उनकी डेथ हुई
तो उन दीदी को उनके मृत्यु पर जो बीमा से राशि मिलती, वो राशि मिलती, तो हम एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। ये महिलाएं सब एकजुट होकर एक दूसरे का सहारा बन रही है। हम लोग यहाँ पर सरस मेलों का आयोजन करते हैं और उसमें हम देखते हैं जिस तरीके से हमारी दीदी लोग आकर आज अपने उत्पाद बेचती है, उनको समझ है मार्केट की, वो अपने आप में एक बहुत प्रशंसनीय पहल है। कई गांव में अब हमारी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी हैं जो आगे जाकर राशि का वितरण करती हैं, जो कि एक लैपटॉप होता है, लैपटॉप से में आधार के माध्यम से, एक फिंगरप्रिंट के माध्यम से वो राशि निकाल सकती। जब कोरोना काल पिछली बार था तो कई ऐसे वृद्ध असहाय लोग जो कि बैंक नहीं जा सकते थे, उनको इन्होंने ये घर पहुंच सेवा दी। मैं आज मुझे ये बताते हुए भी हर्ष होता है, इन्हीं सब बेस्ट प्रैक्टिसेस के चलते आज हम लोग यहाँ पर एक कंपेंडियम का भी माननीय मंत्री जी और राज्य मंत्री जी और हमारे सचिव महोदय की उपस्थिति में हम लोग इसका भी अनावरण आज करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो स्टोरीज आज भी, बहुत सारी स्टोरीज, पॉजिटिव स्टोरीज हमारे सामने नहीं आई है, हम उन स्टोरीज को बाहर लेकर आएंगे। अगस्त के महीने में, 15 अगस्त जब हम आजादी अपनी का वर्ष मनाते हैं, आजादी का महीना मनाते हैं, उस समय हम लोग एक और प्रसंस्करण लेकर आएंगे जिसमें कि ऐसी 75 महिलाओं की स्टोरीज हम सामने लाएंगे जिन्होंने कि तमाम मुश्किलों से भिड़कर, तमाम चुनाव चुनौतियों का सामना करते हुए आज अपने जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया है। मैं, हमारी जो IVCB टीम है जो कि संयुक्त सचिव नीता केजरीवाल के लीडरशिप में कार्य कर रही है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि निरंतर वो इस काम में लगे हुए हैं। माननीय मंत्री जी, आपको जानकर खुशी होगी और ये माननीय हमारे सचिव महोदय के निर्देश थे कि किस प्रकार से कोरोना काल में हम जो व्यापक प्रचार प्रसार है कि बीमारी से कैसे बचें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सर ने कहा थे कि कैसे संभव है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। हमारी जो IVCB टीम है, उन्होंने इस प्रकार के कई वेबिनार किए और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि लगभग 2 से 2.5 लाख हमारे जो CRPs थे या कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन थे, उनको ट्रेन किया गया। और उसके बाद में इन कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन में नीचे जाकर जो स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं हैं, उनको भी प्रशिक्षित किया। इस बार भी बहुत आगे बढ़कर हमारी महिलाओं ने काम किया है। इनके उज्जवल भविष्य के लिए, निरंतर आगे बढ़ने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।